आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि यस बैंक में आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यस बैंक में अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि यस बैंक में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अपने अकाउंट की फुल केवाईसी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का यहाँ पर क्राइटेरिया है कि अगर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस के 30 किलोमीटर के नजदीक में अगर यस बैंक का कोई ब्रांच रहेगा तभी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। अगर ब्रांच नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको इरर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इरर मिलता है तो आपको ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। यस बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यस बैंक के अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। जैसे इस पेज पर आएंगे इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने ओपन अकाउंट का आ जाएगा। यहीं पर अगर आप कॉल बैक चाहते हैं तो कॉल बैक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा ओपन सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर चेक अकाउंट स्टेटस और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है तो यहीं से वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें अकाउंट ओपन करना है। ओपन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट ओपन करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी साथ रखना है, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आपको अपने साथ रखने हैं। तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिखेगा उस कैप्चा कोड को डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को डालेंगे। जैसे हम कैप्चा कोड डालेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग लेके यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पर आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा ईमेल आईडी का। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल पर सेंड हो जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना ईमेल वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप अपना ईमेल ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके ईमेल पर लिंक सेंड किया जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इंटर आधार डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, और उसके बाद नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो यहाँ पर आपका आधार ओटीपी वेरीफाई होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, यहाँ पर इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वीडियो केवाईसी आपके एरिया पर अभी अवेलेबल नहीं है आपके लोकेशन पर, इसलिए आपको नियरेस्ट ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपका वीडियो केवाईसी के थ्रू अगर आपका नियरेस्ट ब्रांच रहता है, जो आपका आधार एड्रेस रहता है उसके 30 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी ब्रांचेस रहती हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड वेरीफाई करेंगे, और आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके अपना यस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट हमारी ब्रांचेस नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है तो यस बैंक में ऑनलाइन जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपका भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं नीले 09। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए।